मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ इसमें, अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा, ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव पर वेलकम। और आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं टॉप 5 इडियम्स जो कि आपके एसएससी जेपीएससी में पूछे गए थे। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप सब लोग ये सोचेंगे कि यार अभी तो कुछ और मोटिवेशन की बात चल रही थी और अब अचानक से सर कहाँ से आ गए बीच में। जी हाँ, एक्चुअली ये मैंने ही वीडियो की आवाज आपके लिए स्टार्टिंग लगाई थी जिससे कि आप अपने फोकस को बनाए रखे, अपने इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन में ना भटके, ठीक है, और अपने जो आपका टारगेट और जो आपको गोल है उसके पीछे भागे, क्योंकि हो भी सकता है आपको सक्सेस मिले ना मिले, बट आपको यू हैव टाइम तो एंड यू हैव टू गिव योर फुल फोर्स, ठीक है। आपको अपनी पूरा जान लगा देनी जब तक आपका टाइम है। मैं ये नहीं कहता फुल फॉर्म में आप पढ़े जा रहे हो क्योंकि हर समय नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेली आपको पढ़ना है, मीन्स कि आपको फ्लो ना टूटे, डेली आपको पढ़ना है, चाहे आप कितने ही थके हो लेकिन आपको एटलीस्ट 2 idioms या 2 1-word situations या 2 अपने क्या नाम है कुछ ना कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ने करने और 2 math questions एटलीस्ट 3 math questions या 1 math question करो यार, लेकिन वो सीक्वेंस ना टूटे कभी अपने, है ना। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग वीडियो लगाई थी आपके लिए, ठीक है। तो आज की हम एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारी day number 3, ओके, day number 3 है idioms की वीडियो। और इससे पहले हम ऑलरेडी class number 1 ऑफ idiom, class number 2 ऑफ idiom आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो अभी तक जिन्होंने भी प्रीवियस उन वीडियोस को नहीं देखा है, हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्प पर जाके देखिए, लिंक आपको हर जगह से मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी एडवांटेज मिल सके। तो चलिए आज के टॉप 5 idioms जो कि आपके SSC CGL प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आज मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आप इन्हें डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। बिग ड्रॉ मीन्स क्या होता है? ह्यूज अट्रैक्शन, जब आपको किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण प्रतीत हो, मतलब या हो किसी के होता है, तो उसे कहते हैं विथड्रॉ। ओके, एंड रीड बिटवीन द लाइन। अब इस रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है? रीड बिटवीन द लाइन जो आया अभी, रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि नो व्हाट द राइटर थिंक्स, नो हिडन मीनिंग, कि वो राइटर सोचता क्या है, ठीक है, उसकी थिंकिंग पे पहुंचना, क्यों सोच क्या रहा है वो जो राइटर, उसकी जब आपने स्टोरी पढ़ी तो आपने देखा कि यार ये सोच क्या रहा है और इसकी थिंकिंग और हिडन मीनिंग, तो उनके हिडन मीनिंग को जानना कि इसके पीछे की सोच ये है, मतलब उसने बोला कुछ, लिखा कुछ, लेकिन उसके पीछे की बात कुछ और ही है, ठीक है, मतलब राइटर ने क्या सोचा है, नो व्हाट द राइटर थिंक्स, कि राइटर कैसे सोचता है। तो हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। गिव वेंट टू बेसिकली कहते हैं टू एक्सप्रेस, जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, अपने शब्दों में बताने की कोशिश करते हो कुछ, किया किसी को कुछ बताते हो, तो उसे टू एक्सप्रेस मतलब वर्णन करना किसी चीज़ का, टू एक्सप्रेस, गिव वेंट टू। ओके, एंड द फोर्थ इज बरी दी हैचेट, ठीक है, बरी दी हैचेट, हैचेट मतलब मीन्स आप दफना दो किसी चीज़ को, जो आपने लड़ाई की है किसी से, उन लड़ाई को भूल कर एक शांति की स्थापना करते हैं, दोबारा से शांति को लेके आते हैं जिससे कि हमारे बीच में दोबारा लड़ाई ना हो, ठीक है। फॉरगेट द क्वेरल्स, जो आपने लड़ाई करी आज तक, ठीक है, शाहरुख के सलमान खान की लड़ाई हो, किसी भी मतलब एग्जाम्पल लिए, तो देखो उन्होंने भी अपनी फॉरगेट द क्वेरल्स को बुलाया, ठीक है। तो फॉरगेट द क्वेरल्स एंड मेक पीस, और शांति बनाए रखना और आपस में मिलजुल कर रहना, बिकॉज आप एज यू नो डेट यूनिटी हैज अ ग्रेट पावर, ठीक है। तो ये होता है बरी दी हैकेट, मतलब दफन कर देना सारी बुराइयों सबको, मिटाकर एक शांति का प्रतीक, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार SSC CGL में पूछा गया है, SSC CHSL तक में भी आया है ये, द अल्फा एंड द ओमेगा। अब आप किसी से बोल सकते हैं द अल्फा एंड द ओमेगा, जब अपनी पिक्चर लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपका व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ एंड जो भी आप करते हो, तो आप कह सकते हो द अल्फा एंड द ओमेगा, बिगनिंग एंड एंड, इसका बिगनिंग और एंड का शॉर्ट मैं लिखूंगा या मैं दूंगा आपके लिए पिक्चर में, ठीक है, दी अल्फा एंड ओमेगा। तो चलिए, ये थे हमारे टॉप 5 idioms जो कि आपके SSC CGL प्रीवियस ईयर में आए थे। अब जैसे कि डेली हम करते हैं, क्या करते हैं, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? जी हाँ, हम डेली जाने से पहले इन पांच हम यानी कि आप लोग मेरे साथ 5 idioms जो हमने पढ़े हैं विद उनके मीनिंग के साथ में कि इनका क्या अर्थ होता है, हम 5 idioms के बस नाम लेते हैं, ठीक है। अगेन लेट्स स्टार्ट, 1, 2, 3। बिग ड्रॉ, रीड बिटवीन द लाइन, गिव वेंट टू, बरी दी हैचेट, द अल्फा एंड द ओमेगा। सो
गाइस ये थे हमारे टॉप 5 idioms. ओके तो अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया है या आप डिसलाइक भी कर सकते हैं कुछ तो करो, एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो मिले कि आप हमारी वीडियोस तो देख रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर्स भी वहीं रुक गए हैं. ठीक है तो व्यूज टारगेट हमारा 5K है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और आने वाली वीडियोस के लिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो लोग ऐसी वीडियोस को सर्च कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं. थैंक यू सो मच.